ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी आत्माओं का परमात्मा से प्यार नहीं है, हम उसे मानते तो हैं, पूजते तो हैं, लेकिन प्यार नहीं है। और जब हमारा उससे प्यार नहीं है तो उनसे जो वर्षा मिलता है हम सब आत्माओं को, हम उससे भी वंचित हो जाते हैं। और जब हम उससे वंचित हो जाते हैं तो हमारे अंदर की सुख शांति जाने की वजह से हमारे कर्म व्यवहार पे उसका असर आता है। और आज का वातावरण हमारे सामने है। हम सभी आत्माओं के परम पिता परमात्मा पिता हैं, और जो हम आत्माएं हैं शरीर में, तो शरीर के पिता अलग हैं और वो सभी के अलग अलग हैं। तो शरीर के पिता से हमें भौतिक चीज़ों का वर्षा मिलता है, और परम पिता परमात्मा से हमें अविनाशी सुख शांति का वर्षा मिलता है। तो लौकिक पिता से हमारा कनेक्शन अच्छा है, इसलिए हमें भौतिक सुख सुविधाएं सहज रीति से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, कनेक्शन सही नहीं है, इसलिए जो सुख शांति का अविनाशी वर्षा उनसे मिलता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। अब हम उनसे अपना रिश्ता अच्छे से कैसे जोड़ें, जो हम उनके द्वारा दी जाने वाली उन सभी गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में ला सकें। इसके लिए हमें पहले तो अपने को जानना होगा। हम सब इस शरीर में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हैं, आत्मा हैं। जब इस चीज़ का हम अध्ययन और मनन करेंगे तो वो हमारे अंदर एक दृढ़ता आएगी, और जब वो एक दृढ़ता एक अनुभव के रूप में बन जाएगी तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझ जाएंगे तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन अच्छे से जुड़ जाएगा। और जब ये कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उनके द्वारा जो गुण और शक्तियाँ हम सभी को वर्षे के रूप में मिलती हैं वो हमें सहज मिल जाएंगी।